लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने भी अपनी कमर कस ली है। आज यूपी प्रभारी अविनाश पांडे जी हनुमान सेतु पर भगवान के दर्शन करने आए थे, उनसे जानेंगे कि आखिरकार आगे की क्या तैयारी। सर, आज आप दर्शन करके बाहर निकल रहे हैं, आगे की क्या तैयारी? देखिए, आज यहाँ पर हमारी संवाद यात्रा के कड़ी के रूप में और उत्तर प्रदेश के लखनऊ जो उनकी आज बैठक है, आप सभी जानते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव हम सब लोग सामने एक बड़ी चुनौती के रूप में है। इंडिया गठबंधन के तहत सभी घटक मिलकर एक कोशिश है कि हम सब सफलतापूर्वक इंडिया गठबंधन के साथियों को चुनकर लाएं। संगठन का सशक्तिकरण और संगठन की एकता ये सबसे महत्वपूर्ण है। आज के इस सभा का उद्देश्य है संगठन के हर कार्यकर्ता के साथ संवाद स्थापित हो और उन तक माननीय राहुल गांधी जी का, माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का संदेश पहुंचे। इसके अलावा किस किस जोन में अभी आप और बैठक जाएंगे? चौथी आपकी बैठक आज लखनऊ में, इसके बाद कहां की तैयारी? इसके बाद में आज पिछले दिनों हमने मेरठ जोन की हमने किया, हमने पूर्व जोन की बैठक बहुत सफलतम रही, ब्रज जोन की बैठक हुई बहुत सफलतम रही, तत्पश्चात आज लखनऊ जोन की बैठक है, कल हमारी कानपुर में बैठक है, कानपुर जोन की बैठक है और उसके बाद बनारस जोन की बैठक है। इन सभी बैठकों में प्रदेश के जितने भी सम्माननीय पदाधिकारी हैं उन पदाधिकारियों के साथ हमारे जितने भी वरिष्ठतम नेता हैं उन सब के साथ और हमारे फ्रंटल और ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे अग्रिम संगठन हैं, युवा कांग्रेस, सेवा दल, महिला NSUI और अन्य सभी प्रमुखों के साथ में ये बैठक होगी और इसमें आगामी रणनीति के साथ साथ संगठन के सशक्तिकरण पर चर्चा होगी। तो ये थे हमारे साथ यूपी प्रभारी अविनाश पांडे जी, जो आज यहाँ पर हनुमान सेतु मंदिर पर पूजा अर्चना करने आए थे और इसके बाद तमाम बैठकों में हिस्सा लेंगे। लखनऊ से भारत समाचार के लिए मजहर हुसैन।